भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ना आम आदमी के लिए मुश्किल ही नहीं असंभव होता जा रहा है। यह अनुमान हम इस बार लोकसभा चुनाव जीत कर आए सांसदों की सूची को देखकर लगा सकते हैं, जिनमें ज्यादातर सांसद करोड़पति हैं। और अब कल पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली तो इसमें भी करोड़पति ही अधिक दिखाई दिए। अब ये करोड़पति मंत्री देश के करोड़ों गरीबों के विकास की योजनाएं तैयार करेंगे। इस बार मंत्रिमंडल में पीएम मोदी के साथ कुल 58 मंत्री हैं। इनमें 24 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार और 24 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल में 6 महिलाएं भी शामिल की गई हैं। अलग अलग राज्यों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश भी की गई है, लेकिन एक चीज है जो हमें कॉमन दिखाई देती है, वो है नए मंत्रियों की संपत्ति। इस बार मोदी सरकार ने जो मंत्रिमंडल बनाया है उसमें 90% से ज्यादा मंत्री करोड़पति हैं। नए मंत्रियों में सिर्फ 5 मंत्री हैं जिनके पास 1 करोड़ या उससे कम संपत्ति है, बाकी सभी की संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा है। इनमें से 10 मंत्रियों की संपत्ति तो 20 करोड़ या उससे ज्यादा बताई गई है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से इस बार की तुलना की जाए तो करोड़पति मंत्रियों की संख्या कम होने की जगह बढ़ी ही है। 2019 में मोदी सरकार में 21 ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 5 करोड़ रुपए से कम की संपत्ति है। 2014 में ऐसे मंत्रियों की संख्या 24 थी। इस बार 14 ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 5 से 10 करोड़ की संपत्ति है। 2014 में ऐसे मंत्रियों की संख्या सिर्फ 4 थी। इस बार 7 ऐसे सांसद हैं जिनकी कुल संपत्ति 20 करोड़ से भी ज्यादा है, जबकि पहले कार्यकाल में इनकी संख्या मात्र 4 थी। इन आंकड़ों को देखकर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर सरकार में अमीर लोगों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है, और जिस तरह से हर साल मंत्रिमंडल में गरीबों की उपस्थिति सिर्फ सांकेतिक होती जा रही है, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत के संसदीय लोकतंत्र में गरीबों के लिए मंत्रिमंडल में जगह बनाना ही मुश्किल नहीं है, बल्कि उनके लिए भविष्य में चुनाव लड़ना भी काफी मुश्किल होने वाला है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।